will discuss some remaining questions on Othello. In my previous lecture, I have covered question number from 1 to 80, and today I will go with from 81. Question number 81 is, Othello was told by Iago to be cautious of. Othello ko बताया गया इयागो के द्वारा, ओथेलो वाज टोल्ड बाय इयागो, ओथेलो को इयागो ने बताया कि वो सावधान रहे. किस चीज से सावधान रहे? एनवी से, प्राइड से, एंगर से, हैट्रेड से. तो एनवी से वो सावधान रहे. तो यू फाइंड हियर कि ओथेलो वाज टोल्ड बाय इयागो टू बी कॉशस ऑफ ओथेलो, की बताया गया कि वह सावधान रहे. किससे सावधान रहे? एनवी से सावधान रहे. अकॉर्डिंग टू ओथेलो, डेस्टिमोना वॉज, ओथेलो की नजर में डेस्टिमोना क्या थी? फेयर ओनली, फेयर एंड फ्री ऑफ स्पीच, फ्री ऑफ स्पीच ओनली, नन ऑफ द अबव, फेयर एंड फ्री ऑफ स्पीच. 82 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 82 है, उसमें एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ओथेलो की नजर में डेस्टिमोना कैसी थी? ओनली फेयर थी या फेयर एंड फ्री ऑफ स्पीच थी? तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82. In 81, what do you see? In 81, you see कि ओथेलो was told by Iago, ओथेलो को जो है बताया गया Iago के द्वारा to be cautious, वो सावधान रहे. किससे सावधान रहे? एनवी से, किसी भी तरह की जेलस से, किसी भी तरह का एनवी से वो सावधान रहे. वही उसके लिए मुसीबत बन सकती है. क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू ओथेलो, डेस्टिमोना वॉज फेयर एंड फ्री ऑफ स्पीच. Now you see question number 83. The person who knew better than Othello the disposition of the Italian ladies was. करें कि जो person जो है ज्यादा जानता था Othello की तुलना में, the disposition मतलब प्रवृत्ति को, tendency को, of the Italian ladies की tendency को, Italian ladies की प्रवृत्ति को, जो आदमी Othello से ज्यादा जानता था वो कौन था? That was Iago. Iago told Othello to observe the behavior of Desdemona. Iago ने बताया Othello को कि वह जो है Desdemona के behavior को observe करे. तो Desdemona के behavior को observe करे क्यों और कब observe करे? Montano was nearby, जब Montano उसके नजदीक था. Othello was not nearby, जब Othello उसके नजदीक नहीं था. Cassius was nearby, Cassio was nearby, क्योंकि जो एक ट्रम्प कार्ड था Iago का, वो कैसियो था. कैसियो को शराब पिला करके कैसे वो जो है उसको Desdemona के नजदीक ले जाते हैं. तो जब उसके नजदीक कैसियो जाता है, Iago क्या करता है? Othello का यूज करता है. वो कहता है जस्ट वॉच, जस्ट गार्ड द बिहेवियर ऑफ हिम, द बिहेवियर ऑफ Desdemona. क्या Desdemona का बिहेवियर देखिए, जब जब कैसियो वो क्या कहती है. Now you see the Venetian ladies and wives would let the world see. Venice का ladies, Venetian जो ladies हैं, जो wives हैं, would let the world see, वे दुनिया को देखती हैं. कैसे? Would let the world see their whims, their humor, their those people whom the way let see their pranks are. करें कि दो ऐसे लोग whom the Venetian wives, जिसको Venice would not let see their pranks are, देखना चाहती. करें कि ऐसे ऐसे लोग जिनको wives हैं वे जो है pranks को नहीं दिखाना चाहती हैं. Are they? Their parents, their husband, their family, but their. Now the next point, craftily insinuated Othello that in marrying Othello, Desdemona deceived Cassio. जब भी Desdemona के अफेयर का बात आएगा तो आपके माइंड में Cassio आना चाहिए. Iago चालाकी से ये चीज Othello को बताता है कि जब शादी हो रही थी Othello ने Othello को that in marrying Othello से शादी के समय Desdemona deceived, Desdemona ने किसको धोखा दिया? Cassio को. कुल मिलाकर के Iago ये दिखाना चाहता है Othello को कि Desdemona is already engaged with Cassio. Desdemona
लव विद कैसियो, शी वॉज इन लव विद कैसियो शादी से पहले भी. ओथेलो थॉट इफ डेस्टिमोना डिसीव्ड ब्राबेंसियो शी माइट डिसीव. ओथेलो सोचता है यदि अगर डेस्टिमोना ने ब्राबेंसियो को धोखा दिया तो शी माइट डिसीव्ड ओथेलो, तो वह ओथेलो को भी धोखा दे सकती है. ओथेलो के माइंड में ये आता है कि अगर डेस्टिमोना ने अपने फादर की बात नहीं मानी और उसका फादर नहीं चाहता था कि डेस्टिमोना ओथेलो से शादी करे, अगर वह अपने फादर को धोखा दे सकती है तो वह ओथेलो को भी धोखा दे सकती है. तो एक तरह से ओथेलो एनवी में इनवाई, इनवाई के अलावा जो है अगर हम बात करें डाउट सेक्सुअल जेलसी की ग्रिप में आता है और वो बिल्कुल उस तरह की हरकतें करना शुरू कर रहा है. इयागो साइटेड द केस ऑफ डेस्डिमोनास रिजेक्टिंग मेनी सूटर्स ऑफर क्लाइंट एंड कॉम्प्लेक्शन एंड मैरिंग ओथेलो टू प्रूव हर. इयागो जो है साइट करता, बहुत सारे उदाहरण देता है द केस ऑफ डेस्डिमोना की डेस्डिमोना ने कैसे रिजेक्ट कर दिया था बहुत सारे सूटर्स पर क्लाइम एंड कॉम्प्लेक्शन, उनके क्लाइम और कॉम्प्लेक्शन को देख कर ओथेलो और केवल ओथेलो से शादी की टू प्रूव हर. वह यह दिखाना विल पार, हेक्टिक थॉट प्रोसेस, सिंपैथियलिज्म, विल पार करें को करता है, साइड करता है किसका केस, डेस्टिमोना का केस, और होता है ये साइड करता है. उन्होंने बहुत सारे फेयर, बहुत सारे अच्छे ओहदों पर आए उसके साथ शादी करने के लिए जो राजकुमार आए थे या जो भी बड़ी, वह उनको रिजेक्ट कर दिया और मैरिज की किससे, एक मूल से. या क्या इंडिकेट करता है, या उसके विल पार को इंडिकेट करता है कि उसने वह उसी तरफ अपने जीवन को जीना चाहती, आगे बढ़ती है. या वो टोल्ड ओथेलो दैट डेस्डिमोना माइट कंपेयर ओथेलो विद, कि यागो जो ने बताया किसको, ओथेलो को, कि डेस्डिमोना जो तुलना कर सकती है, किससे तुलना कर सकती है, डेस्डिमोना माइट कंपेयर ओथेलो, डेस्डिमोना जो है तुलना कर सकती है ओथेलो की द वाइट कॉम्प्लेक्शन इटालियन पोएट्स ऑफ अ नेशन, द वाइट कॉम्प्लेक्शन इटालियन यूथ्स ऑफ अ नेशन. वह तुलना कर सकती है कि इटली के जो यूथ हैं वो कितना जो है फेयर, कितना यंग है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, और ओथेलो किस तरह कलर कैसा है. तो एक तरह से ओथेलो के दिमाग में पॉइजन डाला जा रहा है. ये ओथेलो को सोचना चाहिए था कि अगर डेस्टिमोना ने अपने फादर के अगेंस्ट में भी जाकर के उससे मैरिज किया तो वो लॉयल है उसके प्रति. लेकिन यागो जो है क्या करता है, यागो ओथेलो को बार बार जो प्रोवोक कर रहा, इस तरह की तमाम चीजें कि तुम्हारे बारे में डेस्टिमोना सोचती है कि तुम हो और तुम्हारी तुलना जो है वो किससे करती है, वेनिस के उनसे करती है जिनका कलर फेयर है. ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यागो एडवाइज्ड ओथेलो पुट ऑफ हिज रिकंसाइलमेंट विद कैसियो. यागो सलाह देता ओथेलो को कि वह पुट ऑफ कर दे, पुट ऑफ का मतलब रोक दे, बंद कर दे हिज रिकंसाइलमेंट, उसका पुनर्विवाह विद कैसियो, कैसियो से, कि क्या कर दे, फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए, फॉर आवर लॉन्ग वाइल, लंबे समय के, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय के लिए. इयागो ओथेलो को सलाह देता है कि तुम अपना रिकंसाइलमेंट कैसियो के साथ थोड़े समय के लिए रोक दो. द ट्रेचरस विलेन नन अदर देन, कह रहे हैं जो ट्रेचरस जो विलेन है, जो एक विश्वासघाती, दूसरा नहीं बल्कि कौन है, इयागो है. जो सबसे बड़ा विलेन है ड्रामा का वो कौन है, कोई दूसरा नहीं बल्कि कौन है, इयागो है. द ट्रेचरस विलेन इज नन अदर देन इयागो. ओथेलोस फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्टिमोना, ओथेलो ने जो पहला गिफ्ट दिया डेस्टिमोना को, वाज स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ, पाइन एप्पल स्पॉटेड हैंडकरचीफ, मैंगो स्पॉटेड हैंडकरचीफ, ब्लैकबेरी स्पॉटेड हैंडकरचीफ. स्ट्रॉबेरी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे तैयार किया गया, स्ट्रॉबेरी हैंडकरचीफ, ओथेलोस फर्स्ट गिफ्ट टू डेस्टिमोना, गिफ्ट है डेस्टिमोना को, बॉस आवा क्या था, स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंग. इयागो टोल्ड दैट, इयागो ने बताया दैट ही हैड स्ट्रॉबेरी, उसने स्ट्रॉबेरी देखा, स्पॉटेड हैंडकरचीफ इन द, किसके हाथ में देखा, ल्यूसियो कैसियो क्यूसियो
हाथ में दे, क्योंकि जब भी डेस्टिमोना का बात आएगी और जब भी इस क्योंकि यही हैंकर चीफ का पॉइंट ही बनता है डाउट को बढ़ा लेकर के, वो उसका मर्डर कर देता है। तो इयागो कहता है कि उसने जो है स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंकर चीफ किसके हाथ में, कैसियो के हाथ में। कैसियो जो है ये हैंकर चीफ क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजी के तहत ही वांट्स टू चेंज दैट हैंकर चीफ। सो व्हेन एवर यू गो यू फाइंड दीज पॉइंट्स कि किस तरह से हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी चेंज, उन सब चीजों को लेकर के ओथेलो ने डिसाइड किया टू पुट कैसियो टू डेथ फॉर द गिल्ट ऑफ इनफिडेलिटी विद इन 5 days, 2 days, 4 days। ओथेलो ने डिसाइड किया टू पुट कैसियो, वह कैसियो को रखेगा टू डेथ, डेथ के नजदीक, फॉर द गिल्ट ऑफ इनफिडेलिटी विद इन, उसके साथ इस तरह का जो है इनफिडेलिटी करने के लिए 5 days, 2 days, 3 days, that is 3 days। को देखिएगा ओथेलो ने डिसाइड किया टू पुट कैसियो को जो है डेथ तक पहुंचा देगा, फॉर द गिल्ट ऑफ इनफिडेलिटी, विश्वासघात करने के लिए, विद इन कितने दिनों में पहुंचा देगा, 3 days में। बाई द फ्रेविल करें कि जो फ्रेज फेयर डेविल ओथेलो रिफर्स टू, ए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओथेलो जो है फेयर डेविल वर्ड किसके लिए यूज करता है, ओथेलो फेयर डेविल वर्ड डेस्टिमोना के लिए यूज करता है। क्यों? डेस्टिमोना देखने में मासूम है, उसके चेहरे पे मासूमियत है, डेविल है। क्यों? शादी तो इसने मुझसे की, लेकिन इसका कैरेक्टर बैड कैरेक्टर है। इज एंगेज विद हुम, शी इज एंगेज विद कैसियो, जबकि ऐसा नहीं है, वो केवल एक जाल में फंसता जा रहा, उस चीज को समझ नहीं पा रहा। द नेम ऑफ इयागोज वाइफ, इयागो की वाइफ का क्या नाम है, इमिलिया नाम है। इयागो इम्प्लॉयड हिज वाइफ इमिलिया टू स्टील फ्रॉम डेस्टिमोना, इयागो ने अपनी पत्नी इमिलिया को नियुक्त किया कि वह डेस्टिमोना से चुरा ले, क्या, नेकलेस चुरा ले, हैंकरचीफ, द फ्लावर वेज, द लव टोकन्स, दैट वाज द हैंकरचीफ। क्यों? यही हैंकरचीफ ही तो मेन डाउट का रीजन बनेगा, कारण बनेगा, किसके बीच बनेगा, ओथेलो के बीच और डेस्टिमोना के बीच। ये हैंकर चीफ जो है कैसियो के द्वारा दिया जाएगा, फिर दूसरा हैंकर चीफ पहुंचा दिया जाएगा, तो इसके लिए भी उसके वो किसको, इयागो किसका यूज करता, अपनी पत्नी इमिलिया का यूज करता। इन ऑर्डर टू टेस्ट इफ डेस्टिमोना हैड गिवन द हैंकर चीफ, ओथेलो प्रिटेंडेड दैट ही हैड टूथ एक्ट, हैंड एक्ट, हेडेक, none of the above. In order to test if Desdemona had given the handkerchief, इस चीज को टेस्ट करने के लिए, यदि अगर डेस्टिमोना दी होती handkerchief, ओथेलो pretended that, ओथेलो ने बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया, कि उसको जो है headache है, सर में दर्द है। In order to test, ये इस चीज को टेस्ट करने के लिए, if Desdemona had given the handkerchief, क्या यह हैंकरचीफ डेस्टिमोना ने दिया हुआ था, ओथेलो प्रिटेंडेड, ओथेलो ने बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया, कि उसके सर में दर्द है। वह केवल जानना चाहता था, वॉच करना चाहता था, क्या यह हैंकरचीफ डेस्टिमोना ने दिया था या नहीं। ओथेलो टोल्ड दैट द हैंकरचीफ वॉज गिवन टू हिज मदर, बताया कि यह हैंकरचीफ जो दिया गया था उसके मदर को, बाई किसके द्वारा दिया गया था, अ जापानीज वुमन, अ चाइनीज वुमन, एन इजिप्शियन वुमन, एक इजिप्शियन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हैंकर चीफ का आएगा तो ये चीज ध्यान में रखना, हैंकर चीफ का यूज किया गया था डेस्टिमोना का मर्डर करने के लिए, हैंकर चीफ का यूज किया गया था ओथेलो को प्रोवोक करने के लिए, हैंकर चीफ का यूज किया गया था ओथेलो के माइंड में इस डाउट को भरने के लिए कि वाइफ कैरेक्टर लेस है और वह किसके साथ इंगेज है, कैसियो के साथ। तो हैंकर चीफ का मतलब ओथेलो, हैंकर चीफ का मतलब कैसियो, हैंकर चीफ का मतलब इमिलिया, उसको चेंज करने के। लेकिन हैंकर चीफ ये सबसे पहले किसके पास था, हैंकर चीफ ये सबसे पहले जो है ओथेलो के माँ के पास था, और ये निशानी के रूप में ओथेलो ने अपनी वाइफ को दिया हुआ था, और ओथेलो की माँ को ये किसने दिया हुआ था, इजिप्शियन वुमन ने दिया हुआ था, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियन वुमन द हैंकर चीफ वुड लोस फादर, करें उस जो है इजिप्शियन वुमेन के अनुसार जो वह हैंकरचीफ है वह ओथेलोस के फादर को क्या करेगा,
subdued and humble to his mother, subdued to his mother only, amiable to his mother only, subdued and humble to his mother. यह handkerchief जो है जो ओथेलो के फादर होंगे, ओथेलो की माँ के प्रति बहुत उदार बनेंगे और सबड्यू बने रहेंगे. सबड्यू बनने का मतलब यह है कि उनकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे. तो सबड्यू एंड हम्बल टू हिज मदर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. डेस्टिमोना बिगेन टू सस्पेक्ट, डेस्टिमोना संदेह करती है दैट हर लॉर्ड वाज जेलस ऑफ, कि उसके लॉर्ड जो है जेलस कर रहे हैं. किससे जेलस कर रहे हैं? कैसियो से जेलस कर रहे हैं. डेस्टिमोना को ये संदेह होने लगता है कि ओथेलो जो है कैसियो को लाइक नहीं कर रहा. उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कैसियो को लेकर के, लेकिन वो रीड नहीं कर पाती. क्यों? यागो ने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा ट्रम्प कार्ड यूज किया, सच अ स्ट्रेटजी मेड बाय यागो कि डेस्टिमोना कुड नॉट रीड. वो The evil which according to Othello was unbearable to him. करें वह बुराई जो एक evil थी, the evil which according to Othello, Othello की नजर में वह क्या था? Unbearable था to him was disease, poverty, infidelity. करें कि जो सबसे बड़ी बुराई थी Othello की नजर में, जो उस वो जो है क्या था, जिसका जिसको सहन नहीं कर पाया, वह क्या है? वह इनफिडिलिटी. इनफिडिलिटी चरित्रहीन, बैड कैरेक्टर या इस तरह, दैट वाज द इनफिडिलिटी. सो द इविल जो एक बुराई है विच ओथेलो, जो ओथेलो की नजर में वाज अनबियरेबल, जो अनबियरेबल था वह क्या था? इनफिडिलिटी था. ओथेलोज अनट्रू सस्पिशन मेड डेस्टिमोना, ओथेलोज का जो अनट्रू सस्पिशन था इसने डेस्टिमोना को ला खड़ा किया. सरप्राइज ड्यूबियस senseless, stupefied, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ओथेलोज अनट्रू सस्पिशन, ओथेलो का जो सस्पिशन था यह तो अनट्रू था, ट्रू तो था नहीं, लेकिन इसने जो है डेस्टिमोना को क्या कर दिया है, वह जो है डेस्टिमोना को समझने लगा कि वह stupefied है, stupefied है, stupefied. ओथेलो डिसाइडेड दैट डेस्टिमोना मस्ट डाई, उसने डिसाइड किया कि डेस्टिमोना को मर जाना चाहिए. क्यों? शी लिव टू बिट्रे मोर पीपल, अगर वह मर जाएगी तो मौका नहीं दे पाएगी. शी डज नॉट लिव टू बीट मोर पीपल, वह और लोगों को धोखा नहीं दे पाएगी. ओथेलो ने डिसाइड किया That Desdemona must die, Desdemona को मर जाना चाहिए, ऐसा इसलिए. She does not live to betray more people. The drops of tears which Othello shed were, करें कि वे drops of tears जो Othello की आंखों से निकले आंसुओं के रूप में, वो वे क्या थे? Cunning tears, वे क्या थे? Cruel tears थे. ये भी question बहुत important है. Othello ने क्यों decide किया कि Desdemona की हत्या कर दी जाए? इसलिए डिसाइड किया कि डेस्टिमोना की हत्या कर दी जाए ताकि वह दूसरे को धोखा ना दे सके. अभी तो उसने मुझे ही धोखा दिया, कैसियो को दिया. फिर यह है ओथेलो के आंसू निकल रहे थे, वह उसकी क्रुएल्टी के निकल रहे थे, क्योंकि वह क्रुएल इतना हो चुका था कि वह किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता था कि वह जीवित रहे. कौन जीवित रहे? दैट पार्टिकुलर डेस्टिमोना जीवित रहे. Before killing Desdemona, Othello kicked her, hugged her, kissed her, none of the above. Kissed her. उसको मारने से पहले उसने उसको किस किया. When Othello was fatal, जब Othello एकदम घातक था, घातक कि वह जो है बहुत ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर चुका था. When Othello was fatal, he used to gnaw his lips only, roll his eyes only, both A and B, none of the above. So इसमें उन्होंने बताया कि none of the above. जब भी वह फाइटल की कंडीशन में होता था तो इस तरह की हरकतें नहीं करता था, जो ऐसा नहीं करता था, कोई बड़बड़ाता था ना, तो अपनी आंखों को घुमाता. फॉल्ट ऑफ ओथेलो, वास करें कि जो फॉल्ट है डेस्टिमोना का ओथेलो की नजर में क्या है? एंड द हैंकरचीफ डेस्टिमोना हैड गिवन हिम, कैसियो हैंकरचीफ डेस्टिमोना है उन दोनों ने मिल करके उसको दिया है, हैड गिवन हिम. Cassio and his love for her. Desdemona had given to Othello. The handkerchief Desdemona had given.
दोनों ने उसको त्यागा। उसकी नजर में है कि जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है, द फॉल्ट ऑफ डेस्टिमोना रिगार्डिंग टू ओथेलो इज की कैसियो और डेस्टिमोना दोनों ने मिलकर के जो उसको त्यागा हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, ओथेलो ने डेस्टिमोना की हत्या की, स्टैबिंग हर द बेड क्लॉथ कवरिंग हर अप विद द बेड, मारा चाकू से मारा, नो डॉट उसने उसको किससे मारा, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, ओथेलो ने डेस्टिमोना किल किया, कवरिंग हर अप इन द बेड क्लॉथ, कवरिंग इन द बेड क्लॉथ, द लेटर फाउंड इन द पॉकेट ऑफ द मर्डर ऑफ कैसियो प्रूव्ड, करें कि जो लेटर मिला इन द पॉकेट, पॉकेट में ऑफ द मर्डर, मर्डरर ऑफ कैसियो, कैसियो के मर्डरर, या प्रूव करता है कि द गिल्ट ऑफ यागो, द इनोसेंस ऑफ कैसियो, बोथ ए एंड, दोनों चीजें। एक लेटर मिला हुआ था इन द पॉकेट ऑफ द मर्डरर ऑफ कैसियो, कैसियो के मर्डरर के पॉकेट में, जो यह बताता है इस पूरी जो है कॉन्स्पिरेसी के पीछे यागो का हाथ था और कैसियो निर्दोष था। ये दोनों विकल्प दिया गया है और इसीलिए बोथ ए एंड बी दिया गया, इसलिए आपका सही क्या है, ये सही है। जब कैसियो का मर्डर होता है तो उस मर्डर में अगर आप देखेंगे उसके मर्डरर के पॉकेट में, कैसियो के मर्डरर के पॉकेट में एक लेटर आता है जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि इस पूरे के पूरे गिल्ट में जो है यागो का हाथ, कैसियो निर्दोष रहा। एज अ फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन, ओथेलो किल्ड ब्राबेंसियो, किल्ड यागो, किल्ड कैसियो, किल्ड हिमसेल्फ, वह खुद अपने आप को मार देता है। ओथेलो को जब पछतावा होता है कि डेस्टिमोना वॉज नॉट इंगेज, कि डेस्टिमोना उसके साथ इंगेज नहीं थी, और उस पछतावे में वह क्या करता, खुद अपना कत्ल कर देता है। एज अ हस्बैंड ओथेलो वॉज, करें एक हस्बैंड के रूप में ओथेलो क्या था, लविंग एंड डॉथिंग, लविंग ओनली, डॉथिंग ओनली, लविंग एंड डॉथिंग दोनों था। कह रहे हैं कि हस्बैंड के रूप में ओथेलो जो है डेस्टिमोना को काफी लव करता था, काफी केयरिंग था वो। यागो वाज एग्जीक्यूटेड, यागो को मार दिया जाता है, क्यों, माइल्ड टॉर्चर, स्ट्रिक्ट टॉर्चर, नो टॉर्चर, स्ट्रिक्ट टॉर्चर, यागो को भी हत्या किया जाता है, कैसे, बहुत सता करके उसको मारा जाता है, स्ट्रिक्ट टॉर्चर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास लास्ट क्वेश्चन है, Those who lamented for the demise of Othello, जो लोग ओथेलो की मौत पर रोए थे वो कौन थे, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ लंडन, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ पेरिस, द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ वेनिस, वेनिस के लोग जो है ओथेलो की डेथ पर बहुत ज्यादा। तो इन दिस वे यू फाइंड कि आई हैव डन 117 क्वेश्चंस, आई हैव कवर्ड ओथेलो, आई हैव डन मैकबेथ, आई हैव डन दैट वाज द हैमलेट, एंड टुमारो आई विल स्टार्ट, बट टुमारो आई विल स्टार्ट किंग लियर, ठीक, ओके।